करते हैं यूपी की सियासत के बारे में। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आपको बता दें 4.5 साल पूरे होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, और इस दौरान उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है, इतनी सब बातें कही। और साथ ही साथ कहा कि प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां भी दी गई हैं। सरकार के किए गए सुधार और विकास कार्यों का ही असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति आने से डरते थे, पर अब वो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। और इतना सब कुछ कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपना तमाम जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रति लोगों में विश्वास जगा है, सरकारी नौकरियों में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी कहा है कि हम इसमें अग्रणीय हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में नंबर 2 पर है। जब हमारी सरकार आज 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इस दौरान प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देकर के प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। और मित्रों, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। हमारे दो महत्वपूर्ण माध्यम थे, एक संगठन और दूसरा मीडिया, जो आम जनमानस के बीच में सेतु का काम कर सकती थी और कर रही थी। एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को और आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के